हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नई एक्सेल ट्रिक लेकर, और ये ट्रिक भी आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाली है। हमेशा जब भी मैं आपके सामने कोई ट्रिक लेकर आता हूँ तो आपको बताता हूँ कि एक्सेल में कैसे आप अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप बहुत सारे लोगों को एक क्लिक में कैसे एक्सेल से डायरेक्ट मेल कर सकते हो। और आज मैं इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट किया था कि उन्हें इस वीडियो में थोड़ा सा और एडवांस ये चाहिए था कि वो मेल तो भेज सकते हैं लेकिन साथ में अटैचमेंट भी जाना चाहिए। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन मेल्स के साथ अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक शीट बनी हुई है। इस शीट में मैंने पाथ दिया हुआ है एक फाइल का। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने बटन बना रखा है जिसपे एक मैक्रो असाइन किया हुआ है। ये देखा, जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ये जो भी मेल आईडी थी, टेंस मेल आईडी, इनमें चंद सेकंड्स में मेल चला गया और एक मैसेज आया, ऑल द मेल हैव बीन सेंड सक्सेसफुली। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 10 मेल जो है वो चली गई। मैं आपको ये मेल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ आउटबॉक्स से और फिर से एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर हम देख, मैं इसे सेंस कभी यहां से हटा देता हूँ, फिर से इस बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए 10 मेल, ऑल मेल सेंड सक्सेसफुली। अब मैं अपना आउटलुक मेल बॉक्स खोलता हूँ, यहाँ पे आपको 10 मेल्स दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम इसे हटा देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने ये किया और कैसे आप इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करते हैं ताकि अगर मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस शीट को कॉपी कर लेता हूं और एक नई एक्सेल शीट आपको बताता हूं कि कैसे आपको ये ट्रिक्स का यूज करना है। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट ओपन करी, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस शीट को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सीट बंद कर ली और एक नई सीट हमारे सामने है। दोस्तों, इस मैक्रो को रन करने के लिए मैंने कुछ कोडिंग्स कर रखी, मैं आपको कोडिंग्स दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ कोडिंग्स कर रखी है एक्सेल में, सॉरी बीबीए में। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग्स कर रखी हैं, ये मैक्रोस जो है वो बीबीए की कोडिंग है। अगर यहां से मैं इस कोडिंग्स को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं अपनी इस एक नया डेवलपमेंट में जाके, यहाँ पे विजुअल बेसिक्स में जाके इंसर्ट, एक मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ और इस मॉड्यूल में इसे पेस्ट कर देता हूँ। सेव करके हम बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जब कभी भी आपको कोई मैक्रो एनेबल्ड फाइल सेव करनी हो तो उसका फॉर्मेट हमेशा आपको रखना होता है XLSM। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर टुडे, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दिया और इसे मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो मेल आईडी डाल रखी है वो टेम्परेरी मेल आईडी और टेस्ट मेल आईडीज है। आप जब भी यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी, जिन लोगों को भी आपको मेल भेजना है, यहाँ पे आप मेल आईडीज डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्रो मैंने ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो कोडिंग करी उसमें क्या है। मैं यहाँ एडिट करता हूँ तो आप देखेंगे जो भी मैंने यहाँ पे विजुअल बेसिक्स में लिख रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ इंटीजर्स डिफाइन कर रखे हैं। और जो मेन है, जो पिछले वाली वीडियो से डिफरेंस है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि मैसेज में जो अटैचमेंट है वो ऐड हो जाए, जो ई कॉलम में पाथ दिया हुआ है वो। तो दोस्तों, इसे आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीबीए में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे वैसे भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने वाला हूँ, वहां से आप इसे कॉपी करके जैसे मैंने पेस्ट किया वैसे आप अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट कर सकते हैं और इस ट्रिक का यूज करके बहुत सारा टाइम अपना एक्सेल में बचा सकते हैं। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैक्रो बना दिया। मैक्रो बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, बटन यानी एक सेफ ले लेता हूँ, एक राउंड सेफ ले लेते हैं यहाँ पे, और मैं इसे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर देता हूँ। असाइन मैक्रो जैसे ही मैं करता हूँ, सेंड मेल, ओके। तो देखिए दोस्तों, हम इसे रन करते हैं। मैंने रन किया और मेल चली गई। अगर मैं आपको आउट बॉक्स में दिखाऊं तो देखिए 10 मेल है, हम मेल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और फिर से हम उसी बटन पे क्लिक करते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। ये देखिए सभी को मेल चलेगी। तो चंद सेकंड में एक क्लिक में आप बहुत सारे लोगों को मेल भेज सकते हैं और इस ट्रिक का यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम मैक्सिमम बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आज की ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।